अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो कुछ इस रिलेटेड है कि पिछली वीडियोस में हमने पेन टूल का इस्तेमाल किया, तो लेकिन इस वीडियो में जो हमारा अंदर वाला हिस्सा होता है उसको कैसे कटिंग कर सकते हैं, उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बाहर वाले हिस्से की तो हम सबको समझ आ गई कि किस तरीके से करना है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, अगर हम पेन टूल का ही इस्तेमाल करते हैं जैसे पिछली वीडियो में किया था, तो यहाँ से बाहर से कटिंग ले आएंगे, लेकिन जो हमारा अंदर का एरिया है उसको कैसे क्लियर करना है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल वाच करना है, बिल्कुल छोटा सा सेटअप पे बड़ा नहीं है। अच्छा जी, ये आपको लेयर वाला एक हिस्सा मिल जाएगा, इसमें आपको ये लॉक का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इस लॉक को आप लोगों ने कर लेना है ओके, और इसको खोल देना है, या फिर आप यहाँ से डुप्लीकेट लेयर का भी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, अगर लॉक लगाओ तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन टूल का ही इस्तेमाल करते हैं, तो पेन टूल की मदद से जो है वो हम पहले वो एरिया जो है वो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे जितने एरिया की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने एरिया एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल बंद हो जाए उसके बाद आप दूसरे एरिया को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये मैंने दूसरा एरिया सिलेक्ट कर लिया, इसी तरीके से ये बिल्कुल छोटा सा टग है, ठीक है, मेरे ख्याल से शायद, तो यहाँ से ये तीसरा एरिया सिलेक्ट कर लिया, और इसी तरीके से हम जो है वो अपना जो हमारा बकाया ऑप्शन है, ठीक है, जो जहाँ जहाँ से हमने एरिया को ख़त्म करना है, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ये बात याद रखनी है कि हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जो चीज़ें हमारे ज़रूरत की नहीं है, हम उनको डिलीट करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो ये देख सकते हैं आप, तो ये एरिया भी सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा हमें और कहाँ पर ज़रूरत है वो देख लें, तो फिलवक्त हमें यहाँ पे भी यहाँ पर ही ज़रूरत है। तो उसके बाद हमने करना क्या है, हमने यहाँ से इसको मेक सिलेक्शन पे चले जाना है, ठीक है। मेक सिलेक्शन पे जाने के बाद यहाँ से दो तीन जितना भी आपने सेलेक्ट करना है उतना कर लेना है। तो यहाँ पे जो है फिदर ज़्यादा हो गया मेरा, यहाँ से फिदर होगा मेरा मेक सिलेक्शन टू, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ एरिया अभी भी बाकी है, इसको मैं आर जेड वापस करता हूँ और फिर फिदर जो है मेक सिलेक्शन से वन कर लेता हूँ। ये आपकी जो पिक्चर्स है उसके मुताबिक ही सेट होगा, क्योंकि ये अभी जो पिक्चर्स मैंने लिए इसके पिक्सल काम है, ठीक है। उसके बाद मैं कीबोर्ड के ऊपर से जो हमारा कीबोर्ड है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो ये हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो है ये आप देख सकते हैं डेल का बटन है, इस डेल के बटन को जैसे ही मैं करूँगा तो ये हमारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये जो एरिया हमारा सिलेक्ट है इसको हमने कैसे ख़त्म करना है, यहाँ से कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस कर लिया और मैं डी को प्रेस करूँगा, तो देख सकते हैं, तो यहाँ से जो हमारा एरिया था वो बाहर वाला वो कह लें कि अंदर वाला एरिया जो है वो कट हो चुका है, ठीक है। इसको मैं अभी आपको बैक किसी पे लेके दिखा देता हूँ, इसी लेयर की मैंने कॉपी कर ली, तो ये देख सकते हैं, इसको मैं ज़रा बैक पर ले जाता हूँ, ये बैक पर आ गया, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये पीछे वाला जो है अभी हरकत में है, ठीक है, यानी कि हमारा जो है वो कट हो चुका है। तो ये छोटी सी वीडियो थी आज की, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसको न्यू पेज पे भी ले जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ, कंट्रोल एन न्यू पे, सॉरी कंट्रोल एन करना था, कंट्रोल का बटन प्रेस किया, एन मैंने ओके किया, और यहाँ पे मैंने इसको एक कोई भी कलर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी पेज को लेके आता हूँ, ठीक है, जो हमारा कटिंग वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे जो हमारा है वो रेड हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो अगर हम दूसरी इमेज की बात करें, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ, और यहाँ से जो हमारी कटिंग वाली है वो ये सॉरी मैंने इसी की कॉपी बनाई हुई है, तो इसी तरीके से, तो ये हमारी इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।